गाइस, इस रहस्यमय दुनिया में लक्की और अनलक्की इंसानों की कोई कमी नहीं। चलिए आज बात करते हैं ऐसे अनलक्की इंसान की जिसपे जीते जी तो 3 बार बिजली गिरी लेकिन मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जी हाँ, और इस इंसान का नाम था वाल्टर समरफोर्ड। वाल्टर ब्रिटेन आर्मी में एक ऑफिसर थे और सन 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वे बेल्जियम में पोस्टेड थे और वहाँ घुड़सवारी करते वक्त उन पर बिजली गिर पड़ी। इस कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वे रिकवर हो गए, लेकिन उन्हें फोर्सफुली आर्मी से रिटायरमेंट लेना पड़ा और वो अब कनाडा में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। लेकिन इसके ठीक 6 साल बाद 1924 में वाल्टर एक पेड़ के नीचे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे, तभी उन पर एक बार फिर से बिजली गिर पड़ी और इस बार उनके दाई तरफ का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन एक बार फिर 2 साल के गैप में वो रिकवर हो चुके थे। लेकिन इसके ठीक 6 साल बाद यानी 1930 में वो एक बार फिर से पार्क में घूम रहे थे और तभी उन पर एक बार फिर से बिजली गिर पड़ी और फिर 2 साल तक स्ट्रगल करने के बाद 1932 में उनकी डेथ हो गई। फिर उन्हें माउंटेन व्यू सिमेट्री यानी कनाडा में दफना दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई 1936 में एक बार फिर ठीक 6 साल बाद उनकी कब्र पे बिजली गिरी और इस बार उनकी कब्र पे बिजली गिरने से पूरी कब्र बिखर गई थी। यानी ये ऐसे अनलक्की इंसान थे जिनका जीते जी तो बिजली ने पीछा नहीं छोड़ा लेकिन मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए।